बहुत पहले की बात है, कुशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध थे। उनकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर दिन किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, भले ही इसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण है कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गए। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बना लिया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या यह उनका महज ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे आए और इंद्र बाज के रूप में। इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुँचे और राजा शिवी की जांग पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुँच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा, यह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मार कर वह अपने बच्चों और अपना भूख मिटाएगा। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की बात सुनकर राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूँ तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। बाज से कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की बात सुनकर राजा ने सोचा कि इस कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा के तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपने जान एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। इसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफ़ी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। इसके बाद भी मांस का वजन तराजू के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया, अब कुछ भी हो जाए वह वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू का पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा कि तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई और इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आप भी आपकी तरह दूसरा और कोई नहीं। इतना कहते हुए वे दोनों वहां से गायब हो गए।
शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख। शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं।